नेक्स्ट क्वेश्चन टू के नीट के एग्जाम का सवाल है क्वेश्चन है पार्टिकल मूविंग वेलोसिटी वी इज एक्टेड बाय थ्री फोर्सेस शोन बाय द वेक्टर्स ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू एंड आर द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल ऑप्शन नंबर वन है चेंज अकॉर्डिंग टू द स्मॉलेस्ट फोर्स क्यू आर इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन्स कॉन्स्टेंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है वैक्टर्स का सवाल है अब इसको ऐसे देखिए जो आपका वेक्टर तीन फोर्सेज जो आपके इस पार्टिकल पे लगा है पार्टिकल ऑलरेडी वी वेलोसिटी से चल रहा है तो अपने जो तीन फोर्सेज लगे हैं वो इस फॉर्मेट में है आ, ये और ये तीन फोर्सेज हैं राइट और पहला फोर्सेज यहाँ पे दिया हुआ है पी क्यू आर ये आपका पी क्यू और आर जो आपका फोर्स है पी क्यू जो आपका फोर्स है पी क्यू वो इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है दूसरा फोर्स जो क्यू आर है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है तीसरा फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं नाउ ट्राइंगल लॉ अगर अपने वेक्टर में पढ़ा हुआ है तो ट्राइंगल लॉ से अपने को पता है कि इन तीनों फोर्सेज का रिजल्टेंट जीरो आएगा तो एक बार ट्राइंगल लॉ फिर रिवाइज कर लेते हैं ट्राइंगल लॉ से अगर आपका एक फोर्स इधर लगा है ए दूसरा फोर्स इधर लगा है लेट्स से बी और इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर हम देखेंगे तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट मान लीजिए ये आ, इस बी फोर्स को हम ऐसे कर लेते हैं ये आपका बी फोर्स है तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे ऐसे आएगा आ, विच मीन्स इसको अगर हमें एक ट्राइंगल कम्प्लीट करें ट्राइंगल कंप्लीट करें से मतलब ये है कि अगर हमने ये फोर्स एक फोर्स ए यहाँ पर ऐसे लगाया सेम लेंथ का फोर्स ले लेते हैं सो सेम लेंथ का फोर्स ए हुआ है बी को फिर अगर हम हेड टू टेल ज्वाइन करें तो जहाँ इसका हेड खत्म होता है वहाँ पर इसको अगर हम ऐसे अप्लाई करें ये सो so ये आपका बी फोर्स आ गया सो ट्राइंगल लॉ ये कहता है कि इनका रिजल्टेंट जो है ये आपका सी वेक्टर इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद जो वेक्टर आएगा दिस विल बी द रिजल्टेंट फोर्स सो दिस विल बी माय फोर्स सी नाउ अब अगर हम एक और फोर्स अप्लाई करें तीसरा फोर्स ए और बी के अलावा सी फोर्स जो कि आपका इस डायरेक्शन में हो यहाँ पे वो ट्राइंगल आपका कंप्लीट हो जाए विच मीन्स इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट आपका जीरो आएगा सो so, अगर कोई पार्टिकल ऑलरेडी वी वेलोसिटी से चल रहा है और उसका रिजल्टेंट फोर्स force, तीन फोर्सेस लगे जिनका रिजल्टेंट जीरो है तो पार्टिकल की वेलोसिटी उतनी ही रहेगी जितनी पहले है विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी रिमेन्स कॉन्स्टेंट विल बी द करेक्ट आंसर